हाँ जी, तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन परमुटेशन इज कि परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट. ठीक, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट. ठीक, अब इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, क्या चीज है ये, इस चीज का मतलब समझो. अब ये क्या बोल रहा है कि पहले अगर हम ए बी सी को परमुटेट करते थे तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल केसेस बनते थे, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए, राइट. अब वो क्या बोल रहा है कि अब कंसेप्ट क्या आ रहा है कि अब हम जिन ऑब्जेक्ट्स को परमुटेट कर रहे हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ सेम है कुछ डिस्टिंक्ट है. तो जैसे अब इसी का ही मैं मॉडिफाई करके बोल रहा हूं कि ए ए बी को अरेंज करना, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, अब ए बी सी नहीं है, ए ए बी है, राइट. अब इसको अरेंज करना, अब इसको अरेंज कर करके कितने हमारे केसेस बनेंगे ये चीज हमें देखना है. ठीक है, अच्छा अज्यूम करो मैं इसी यही केस लेके जा रहा हूं. ठीक, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए. ठीक, अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में यही फर्क है कि सी की जगह ए रख दिया गया. अगर मैं ए बी सी में सी की जगह ए रख दूं तो ये बन जाएगा ए ए बी, राइट. तो यहां पे जहां जहां पे सी आ रहा है वहां पे ए रख दिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी ए, ये बन जाएगा ए ए बी, ये बन जाएगा बी ए ए, बी ए ए, ए बी, एंड ये बन जाएगा ए बी ए. हाँ जाना, ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो ये चीज क्लियर हुई. ठीक, यस अब सर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ए बी ए, ए बी ए, तो इन दोनों को अलग अलग थोड़ी ना काउंट करूंगा. देखो यहाँ पे ए सी, ए बी सी एंड सी बी ए, ये दोनों अलग काउंट हो रहे थे अगर ए बी सी तीनों अलग अलग होते, लेकिन अब क्या हुआ जब सी ए बन गया तो ये जो दो केसेस आए इन दोनों को मैं सिंगल काउंट करूंगा, तो इन दोनों को मैं वन काउंट करूंगा. अब देखो जरा, ए ए बी, ए ए बी, अब इन दोनों को मैं एक सिंगल केस काउंट करूंगा, एंड बी ए ए, बी ए ए, इन दोनों को भी मैं सिंगल केस वन काउंट करूंगा. तो अब टोटल केसेस 3 आने चाहिए. आई होप ये चीज क्लियर है. ठीक, बेसिकली हुआ क्या कि ये जो टू केसेस हैं ये टू केसेस सेम केस बन गए, ये टू केसेस सेम केस बन गए, ये टू केसेस सेम केस बन गए. यानी कि टू केसेस का मतलब क्या है, टू फैक्टोरियल केसेस सेम हो गए. एवरी टू फैक्टोरियल केसेस विल काउंट एज सेम, विल काउंट एज सेम. ठीक, अच्छा अब ये चीज का एक्चुअली में मतलब तुम्हें जब तीन चीजों को लेके करूंगा, चार चीजों को लेके, तब जाके अच्छे से ज्यादा क्लियर होगा. ठीक, ध्यान से देखो. अब मान लो मेरे पास है ए बी सी डी, इन चारों को अरेंज करके याद करो 24 केसेस बने थे, काफी बड़ा केस आया था. ध्यान से देखना, ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए सी बी डी, ए सी डी बी, ए डी बी सी, ए डी सी बी, बी सी ए डी, बी सी डी ए, बी ए डी सी, बी ए सी डी, बी डी ए सी, बी डी सी ए, सी ए बी डी, सी ए डी बी, ए सी बी डी, सॉरी सी को आगे रखना है, सी बी डी ए, सी बी ए डी, सी डी बी ए, सी डी ए बी. ठीक, देन डी ए बी सी, डी ए सी बी, डी बी सी ए, डी बी ए सी, डी सी बी ए, डी सी ए बी. तो ये 24 केसेस बन गए. अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक ध्यान से देखना ये चीज. ठीक,
हाँ जी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो 24 केसेस बने राइट, इनके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड डी रख रहा हूँ, मतलब बी एंड सी को मैं वापस ए पुट कर रहा हूँ, तो यानी कि अब मेरे क्या बन जाएंगे, ए ए ए डी। अब इन चारों को अरेंज करना, तो इन चारों को अरेंज करने का मतलब है कि मैं इन्हीं के अंदर क्या कर रहा हूँ कि ट्रिपल ए एंड डी इनको अरेंज कर रहा हूँ, यानी कि ए बी सी को मैं ट्रिपल ए पुट कर रहा हूँ, ए ए ए पुट कर रहा हूँ। तो देखो डी को एज इट इज रहने दूंगा, बाकी सब कुछ मैं क्या कन्वर्ट कर दूंगा ए में। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला केस है ठीक, ये क्या बन जाएगा, ये ए ए ए डी, ए ए डी ए, ए ए ए डी, ए ए डी ए, ए डी ए ए, ए डी ए ए। ठीक, डी की पोजीशन फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट सेकंड सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, थर्ड 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 थर्ड, बाकी सारे ए बन गए। ऐसे इधर क्या बन जाएगा, ए ए ए डी, ए ए डी ए, ठीक, फिर ए ए ए, ए ए डी, फिर आ जाएगा ए डी ए ए, ठीक, एंड ए डी ए ए, ठीक। देन इधर क्या आ जाएगा, अगेन ए ए ए डी, ए ए डी ए, ए ए डी ए, ए ए ए डी, ए डी ए ए, एंड लास्ट इज ए डी ए ए, एंड इधर ये सारे आ जाएंगे डी ए ए ए, 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 डी ए ए ए। अब देखो ध्यान से समझना क्या हुआ, ये जो सिक्स केसेस थे ठीक, ये सिक्स केसेस के अंदर इन सारे के सारे सिक्स केसेस को देखो, ये जो सिक्स केसेस ये सारे, अब ये सिंगल काउंट होंगे, अब इन सारे के सारे सिक्स केसेस को मैं वन काउंट करूंगा राइट। सिक्स का मतलब थ्री फैक्टोरियल केसेस। अब ये ऐसा हुआ क्यों, ठीक, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्चुअली में पता क्या हो रहा है कि ये देखो ये छह केसेस क्या है, ये छह केसेस है कि जब ए बी सी आपस में पोजिशन इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये छह केसेस तब बने। लेकिन अगर ये मेरे छह, ये ए बी सी अगर तीनों के तीनों सेम है, ए ए ए बन गए, तो ये ए बी सी अगर आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, तो ये इन ए वे ए ए ए आपस में पोजीशन इंटरचेंज करें, ट्रिपल ए पोजीशन चेंज करें आपस में, लेकिन ट्रिपल ए अगर आपस में पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये जो सिक्स केसेस हैं, यानी कि थ्री फैक्टोरियल केसेस हैं, यानी कि जब ए बी सी आपस में पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो उनके थ्रू जितने भी केसेस बनेंगे वो सारे के सारे केसेस को मैं सिंगल काउंट करूंगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। यस सर। राइट, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना ये चीज। नेक्स्ट चीज मैं बता रहा हूँ कि डी को लास्ट पोजीशन पे रखा तो क्या क्या केसेस आ रहे हैं, एक ये वाला केस आ रहा है, 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 एक ये वाला केस आ रहा है। बाकी ध्यान से चेक कर लो, दीज आर द सिक्स केसेस इन विच डी इज एट द लास्ट पोजीशन। राइट, तो ये कौन से केसेस आ रहे हैं, एक ये वाला केस, 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 एंड एक ये वाला केस। अब इन सिक्स वाले केसेस को मैं क्या करूंगा, सिंगल काउंट करूंगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर डी लास्ट में है, एंड डी लास्ट में होने के कारण ये जो स्टार्टिंग में ए बी सी आ रहा है, ये आपस में पोजीशन इंटरचेंज करके छह केसेस बनाएगा, यानी कि थ्री फैक्टोरियल केसेस बनाएगा, तो ये वाले थ्री फैक्टोरियल केसेस को भी मैं वन काउंट करूंगा। अब नेक्स्ट इज कि डी जब सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ये वाली चीज, तो ये जो केसेस आ रहे हैं अब, बिल्कुल, तो ये वाला केस, ये वाला केस, ये केस, ये केस, ये केस एंड ये केस, तो इन छह के छह केसेस को मैं वन काउंट करूंगा, सिंगल काउंट करूंगा। एंड लास्ट में ये जो चीज हमारी बची, ये केस, इनके अंदर डी सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो इनको मैं सिंगल काउंट करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसके अंदर क्या हुआ कि एवरी थ्री फैक्टोरियल केसेस आर काउंटेड एज वन, एवरी थ्री फैक्टोरियल केसेस, एवरी सिक्स केसेस इज काउंटेड एज वन। तो 24 के अंदर सिक्स 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 केसेस थे, इनको वन 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 काउंट करूंगा, तो टोटल केसेस कितने बन जाएंगे, फोर। यानी कि अगर मैं ट्रिपल ए एंड सिंगल डी को अरेंज करूंगा तो मेरे कितने केसेस बनेंगे, अब कितनी परमोटेशन आएंगी, कितनी अरेंजमेंट आएंगी, दैट इज नथिंग बट
फोर अरेंजमेंट आएंगे. क्यों? क्योंकि एवरी सिक्स केसेस विल बी काउंटेड एज वन. आई होप ये चीज क्लियर हुई. प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी शुभी. सर ये रूल होता है कि हमने सिमिलर जो वैल्यूज हैं उनको एक की तरह कंसीडर करना है. यार एक चीज बताओ मेरे को, आप सर वैसे तो सिमिलर ही होंगे फिर. हाँ ऑब्वियसली अगर जो चीज सिमिलर है राइट उनको तो एक ही काउंट करोगे ना, उनको दो बार क्यों काउंट करोगे? एक बार मेरे को बताओ, एम यू एन लिखा है, एम यू एन लिखा है, तो इनको दो काउंट करोगे सिंगल काउंट करोगे? सिंगल. एग्जैक्टली तो वही चीज आ गई ना. देखो परमुटेशन के अंदर या नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हम काउंट करते हैं उसके अंदर होता क्या है राइट, जो डिफरेंट वेज होते हैं उनको अलग अलग काउंट करते हैं. ए बी एंड बी ए इनको अलग अलग काउंट कर रहे हैं. बात समझे? हाँ जी सर. तो इसलिए जो चीज सेम दिखती है उनको सेम में एक सिंगल काउंट करेंगे. ठीक. तो देखो अब ओवरऑल हुआ क्या, अब क्या हुआ, ए बी सी डी एंड ए ए ए डी इन दोनों में क्या फर्क है कि थ्री ऑब्जेक्ट्स बिकम सेम. ठीक. थ्री ऑब्जेक्ट्स बिकेम सेम. अब इससे क्या हुआ कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स जो सेम बन गए ये आपस में जब पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, अब ये आपस में कितने फैक्टोरियल से पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, थ्री फैक्टोरियल से, तो वो जो थ्री फैक्टोरियल केसेस हैं एवरी थ्री फैक्टोरियल केसेस विल बी काउंटेड एज वन. आई होप ये चीज क्लियर हुई. तो इसलिए इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, टोटल कितने चीजें हैं, फोर, तो फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितनी चीजें सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो. क्यों? क्योंकि एवरी थ्री फैक्टोरियल केसेस विल काउंटेड एज वन. तो टोटल कितना आंसर आ गया, फोर. तो ये आंसर यही आया जो हमारा इधर आंसर आया था. क्या चीज की हमने कि 24 को डिवाइडेड बाय 6 कर दिया तो आंसर आ गया 4. क्यों? क्योंकि एवरी 6 केसेस विल काउंटेड एज 1. आई होप ये चीज क्लियर हुई. ठीक. ऐसे ठीक. अब देखो जरा ये स्टार्टिंग में जो हमने किया था राइट, अब इसके अंदर क्या चीज आ रही है, तीन चीजें हैं लेकिन उसमें से दो चीजें सेम है, तो इसके टोटल केसेस कितने आए थे, 3. अब कैसे निकालेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितनी चीजें सेम है, 2. तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो दैट इज नथिंग बट 3. अपने आप 3 केसेस आ जाएंगे. तो अब इन चीजों को काउंट करने का तरीका क्या है, दैट इज नंबर परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट. ठीक. तो अगर सारे के सारे अलग अलग नहीं है, जितने ऑब्जेक्ट्स सेम है उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे. तो एग्जांपल देखो, ए ए ए ए, बी बी बी, सी सी, डी डी डी. ज़ूम करो, टोटल कितने लेटर्स आ गए, ये दैट इज 4a, 3b, 2c, 3d. राइट. तो कितने आ गए, 12 लेटर्स आ गए. अब इनको अरेंज करके कितने लेटर्स हमारे, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कितने बनेंगे, टोटल कितने हैं, 12. तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल. अब डिवाइडेड बाय जितनी चीजें सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते रहो. तो 4a सेम है तो 4 फैक्टोरियल, 3b सेम है तो 3 फैक्टोरियल, 2c सेम है तो 2 फैक्टोरियल, 3d सेम है तो 3 फैक्टोरियल. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज 12 ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ विच 4 आर सेम ऑफ वन काइंड, 3 are same of one kind, 2 are same of one kind and 3 are same of another kind are arranged. I hope clear hua. तो basically जो चीज जितनी बार repeat कर रही है उतने factorial से divide करेंगे, ये चीज. तो this is our concept. अब इसके related question देखो जरा, ठीक, ध्यान से देखना. अब एक और चीज याद रखना, जितने कंसेप्ट हम पिछले वाले कर चुके हैं वो भी अब साथ में काउंट होंगे इनके, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग काउंट होंगे. ठीक है. चलो अब जैसे एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल में क्या चीज आ रही है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स can be formed just a second. Haji, can how many different words can be formed using letters of the word apple. ठीक. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है.
तो टोटल लेटर्स कितने हैं, 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने सेम आ रहे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल, बाकी सारे अलग अलग है तो उनके लिए कोई नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 60। तो अब एप्पल के लेटर्स को अरेंज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, 60। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, MISSISIPPI, ठीक, मिसिसिपी, MISSISIPPI, ठीक। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज फोर आईज डू नॉट कम टूगेदर, ठीक, यानी कि चारों के चारों आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। राइट, अब ध्यान से देखो क्या चीज है, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, उसने क्या बोला है कि चारों के चारों आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब नो टू आईज आर टूगेदर, नहीं, ध्यान से देखो, चारों के चारों आई इकट्ठे ना आने का मतलब यह है कि तीन आई इकट्ठे आ सकते हैं और एक अलग से आ सकता है, यानी कि ये केस आ सकता है, ठीक। यानी कि चारों आई इकट्ठे, ये वाला केस नहीं होना चाहिए, ये केस बिल्कुल हो सकता है। दो आई इकट्ठे, ये भी केस हो सकता है, राइट। चारों अलग अलग, ये भी केस हो सकता है, ठीक। बस चारों के चारों आई इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसके अंदर हम गैप मेथड नहीं लगा सकते, ठीक, हमें टोटल में से वो वाला केस माइनस करने पड़ेंगे जब चारों आई इकट्ठे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले फर्स्ट वाले पे आओ। तो सबसे पहले हमने मिसिसिपी वर्ड को देखा, ठीक। अब मिसिसिपी वर्ड को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसके अंदर एम कितनी बार आ रहा है, एक बार। आई कितनी बार आ रहा है, चार बार, एम गया, आई गया। एस कितनी बार आ रहा है, फोर टाइम्स। एंड पी कितनी बार आ रहा है, टू टाइम्स। आई होप ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो अब इसको अरेंज करके कितने टोटल, पहली बात तो परमुटेशन बन सकती है, तो दैट वुड बी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, वो कितने आ रहे हैं, 11, तो दैट वुड बी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम, तो एक बार ही आ रहा है, आई चार बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल, एस चार बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल, पी टू बार, टू टाइम्स आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। हां जी, प्लीज डाउट बोलो, क्या आ रहा है डाउट? सर, आई 5 बार ही नहीं है, नहीं, चार बार है मिसिसिपी में। ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, वो भी तो सर लास्ट में आपने आई क्या, नहीं, वो कोमा डाला हुआ। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, मिसिसिपी में चार बार आई था, ठीक है, टोटल 11। अभी क्लियर है फर्स्ट वाला? तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि मिसिसिपी के सारे लेटर्स को यूज करके हम कितने परमुटेशंस बना सकते हैं। सो दैट वुड बी 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आई 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, एस 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, एंड पी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। शुभी क्लियर है? अर्शिया? हां जी सर, क्लियर है। ठीक ठीक। अनीश, अरमान, क्लियर हो रहा है? यस सर। ये फिर से बता दो। क्या चीज? यही वाला 4। अच्छा, मेरे को ये चीज बता, मेरे को ये चीज बता, ये कांसेप्ट क्लियर हुआ तेरे को कि जो चीज जितनी बार रिपीट होगी उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है? हां जी। ठीक है, अब मेरे को ये बता कि मिसिसिपी पूरे के पूरे वर्ड में एम कितनी बार आ रहा है? एक बार। हमने ये देखना है कि कौन सी चीज कितनी बार रिपीट करे, तो एम तो एक बार ही आ रहा है तो रिपीट नहीं कर रहा। अब आई कितनी बार आ रहा है? इसमें तो बस आई की बात हुई है ना। नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो वो सेकंड पार्ट है बाबा, हम तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, फर्स्ट कर रहे हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर तो ओवरऑल परमुटेशन करनी है ना, अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। अभी क्लियर हुआ क्या किया हमने? यस सर। हां, अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, इसका जो आंसर है, ठीक, कैलकुलेट करके आंसर जा रहा है 34650, ठीक है, ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट का देखो जरा, अब क्या बोल रहा है कि 4
4 के 4 आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए. तो प्लीज ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि 3 आई इकट्ठे आ सकते हैं. तो वी कैन नॉट यूज गैप मेथड इन दिस. सो डू नॉट यूज गैप मेथड. क्यों? क्योंकि गैप मेथड क्या करेगा, गैप मेथड नो टू आई आर टुगेदर ये फाइंड करके देगा. हमें वो तो फाइंड ही नहीं करना. नो टू आई आर टुगेदर ये हमारा मोटिव ही नहीं है फाइंड करना, राइट. हमें तो चारों के चारों आई को इकट्ठे नहीं रखना. तो ये क्या केस आएगा सेकंड का आएगा टोटल माइनस ऑल आई आर टुगेदर. और टोटल केसेस ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट में फाइंड कर चुके हैं. अब हमें क्या फाइंड करना है कि ऑल आई आर टुगेदर. तो हमने क्या किया, मिसिसिपी वर्ड को पकड़ा, इसमें से चारों के चारों आई को इकट्ठा कर दिया. तो फोर आई को इकट्ठा कर दिया एंड मिसिसिपी के बाकी का बचा एम एस 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 पी पी. ठीक, अब ध्यान से देखो, जिनको इकट्ठा कर दिया टाई मेथड अब यहां पे आएगा. ठीक, चारों के चारों आई को इकट्ठा रखना तो यहां पे टाई मेथड यूज होगा. अब टाई मेथड के अकॉर्डिंगली ये चारों के चारों इकट्ठे हो गए तो इनको एक सिंगल क्वांटिटी मानेंगे. तो ये कितने आ रहे हैं, 7 7 एंड 1 8. तो टोटल तरीके आगे 8 factorial डिवाइडेड बाय, लेकिन इन 8 क्वांटिटीज में से 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 क्वांटिटी में से कितनी चीजें सेम है, ये चार ऑब्जेक्ट सेम है, ये टू ऑब्जेक्ट सेम है. तो डिवाइडेड बाय 4 factorial होगा, डिवाइडेड बाय 2 factorial होगा. कैसे आया देखो, अगेन ये 4 factorial आया ड्यू टू 4s एंड ये 2 factorial आया ड्यू टू 2p. आई होप ये चीज क्लियर हुई. इनटू, अब मेरे को ये चीज बताओ, ये चारों आई को आपस में भी तो अरेंज करना है. तो शुभी माइक ऑन करो. यस सर. चारों आई को आपस में अरेंज करने के नंबर कितने आएंगे? सो 4 ways. एकदम गलत. मेरे को ये बताओ, ए ए ए बी को आपस में अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, जल्दी. सो 2 ways. शुभी कैसे कर रहे हो कैलकुलेट? सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन. मैं बोल रहा हूँ कि ये चारों को आपस में अरेंज करने का, परम्यूटेशन करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? 4 factorial डिवाइडेड बाय 3 factorial भी तो करोगे, 3a सेम है. हाँ जी, हाँ जी सर. तो कितने वेज आ गए? 4 आ गया ना. हाँ जी सर. पक्का कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सर मैंने वैसे क्वेश्चन कर लिया था खुद. अच्छा, नहीं मेरा पॉइंट ये है कि अब अगर 4a को अगर अरेंज करना है तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 4 factorial divided by 4 factorial. तो दैट इज 1 वे, दिस इज द ओनली वे. इसके अलावा और कोई वे हो ही नहीं सकता, बात समझे? Yes. अच्छा, अब वही चीज मैं इधर पूछ रहा हूँ कि ये 4i को आपस में अरेंज करने के कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे? 4 factorial divided by 4 factorial. परफेक्ट. इन ए वे वन ही. सर वो क्विक वे से मैं बोल नहीं पाई थी, वैसे मैंने कर. ठीक ठीक ठीक. तो बेसिकली अब दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज नथिंग बट 8 factorial by 4 factorial 2 factorial. सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 4 आईज आर टुगेदर. आई होप ये चीज क्लियर हुई. हां जी, प्लीज कंफर्म करो ये क्लियर हुआ. 4 आईज आर टुगेदर, इसका ये केस आएगा. अब किसी को कोई भी डाउट है मोस्ट वेलकम, पहले डाउट पूछो. क्लियर है सबको? 4 आईज आर टुगेदर, प्लीज कंफर्म करो सारे. सर क्वेश्चन 4 आईज डोंट कम टुगेदर नहीं था क्या? तो अभी मैं माइनस करूंगा ना, ये मैं अभी सिर्फ ये वाला पार्ट निकाला हूं अभी टोटल. ठीक है सर. ना तो टोटल ऑलरेडी ये आ चुका है. अब इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ. 8 factorial by 4 factorial into 2 factorial. ठीक, दैट इज 840. ठीक, तो अब सेकेंड पार्ट का टोटल आंसर क्या आएगा, टोटल माइनस दिस, और टोटल जा रहा है ये हमारा. ठीक, सेकेंड पार्ट का टोटल आंसर क्या आ रहा है, टोटल माइनस 4 आईज आर टुगेदर. सो दैट इज ठीक, दिस माइनस 840. सो दैट इज नथिंग बट 33810. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ. कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद करना. ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स
can be formed using all the letters of the word Allahabad. See, and in how many of these vowels occupy even places? ठीक, पहले ये वाला पार्ट करो, ये दोनों पार्ट करो, ध्यान से करना, कहीं पे कोई भी डाउट आए तो प्लीज पूछना, शर्माना नहीं। हाँ जी, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले तो अलाहाबाद को देखना है, तो ए डबल एल ए एच ए बी ए डी, ए कितनी बार आ रहा है, एक दो तीन चार, फोर टाइम्स, एल आ रहा है टू टाइम्स, एच बी डी वन वन टाइम, एच वन टाइम, बी वन टाइम, डी वन टाइम, तो टोटल लेटर्स कितने आ गए, नाइन। ठीक, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन वुड बी, नंबर ऑफ द परमुटेशन वुड बी नाइन फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। तो ये सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज वोवल ऑक्युपाई इवन प्लेसेस, तो हम क्या करेंगे, वोवल्स को पकड़ के पहले तो अलग से लिख लेंगे, इसमें से वोवल कौन कौन से जा रहे हैं। ठीक, तो वोवल जा रहे हैं एक तो ए, बस ए ही जा रहे हैं। ठीक, ए ए ए ए, उसके बाद आ रहा है एल एल एच बी डी। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये टोटल नाइन लेटर वर्ड है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो इवन प्लेसेस कौन कौन सी आ रही है, इवन प्लेसेस आ रही है ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली, तो चार इवन प्लेसेस है और चार ही वोवल है। ठीक, अब प्रणव, यस सर, मेरे को ये बताओ ये फोर एज को इन फोर प्लेसेस पे अरेंज करने के नंबर ऑफ एज, फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल बाय फोर फैक्टोरियल, परफेक्ट। ठीक, चार ही प्लेसेस हैं, चार प्लेसेस पे चार ए को फिल करने के तरीके फोर फैक्टोरियल, लेकिन क्योंकि फोर के फोर सेम है तो डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल। अब बाकी पांच जगह पे ये पांच चीजों को अरेंज करने के प्रणव तरीके, फाइव फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल, दो एल भी तो सेम है। ठीक, तो ये तो कट के वन हो गया, तो आंसर इज 60, 120 बाय 2, 60। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। Yes, sir. Second का आंसर 60 कंफर्म हुआ, कोई डाउट तो नहीं सेकंड के आंसर में? No, sir. पक्का सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक, अनीश क्लियर है, श्योर है? हाँ जी सर, क्लियर है। वुड टू फैक्टोरियल क्यों किया नीचे? भाई ये जो पांच, ये जो बाकी पांच बचे थे, इनको ये पांच जगह पे अरेंज करना है, राइट? इन पांच में ये दो एल भी तो आ रहे हैं, तो इन पांचों को अरेंज करते करते दो एल जो सेम आ रहे हैं उसके टू फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। क्रिश, तुषार, तनेश, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक ठीक, शुभी, साहेब, हां जी सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। लवण्या, हर्षलीन, गुरकिरत, ईशिका, अर्शिया, क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक, अर्पित, अरमान, क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक 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 है, चलो यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक, इसी के क्वेश्चन को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू सर, वेलकम।